कनाडा के रेस्टोरेंट बिजनेस खोल के ऑलमोस्ट एक करोड़ रुपया नुकसान हो गया ये भाई को कि आप काम कर करके थक जाओगे hmm. किसी ने कॉल इन सीख कर दिया कोई सुबह नहीं खोल सकता रेस्टोरेंट सो विद एवरीथिंग इंटरेस्ट इन एवरीथिंग थिंग टू हंड्रेड थाउजेंड टू हंड्रेड थाउजेंड सो अभी आप 2 दो लाख डॉलर फाइनेंसिस था जो मैंने ढंग से प्लान आउट नहीं करा मैंने सोचा कि पहले दिन से ही सेल्स इतनी ज़्यादा आने लग जाएगी कि वैसा आपके पास सिक्स मंथ्स का फंड्स होना चाहिए धीरे धीरे कंपटीशन भी बढ़ता गया एक टाइम में उसी स्ट्रीट पे पाँच से छः रेस्टोरेंट आ गए पिज्जा के लिए नाउ पीपल हैव चॉइस तो आज ये वीडियो में यू you नो know, वो बिजनेस कैसा लॉस हो गया क्या लेसन उसने सीखा एंड अभी क्या कर रहे हैं यू नो कैसे रियल स्टेट में आया वो सारे डिटेल्स ये वीडियो में बात करेंगे नमस्कार दोस्तों मेरा नाम आदित्य सोमा एंड आज मैं कर रहे है हिंदी में क्योंकि बहुत साल हो गया मेरे पहले एक वीडियो किया लेकिन बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आए क्योंकि मेरे हिंदी उतना अच्छा नहीं था एंड थोड़ा कॉम्पिटिटिवली लेके थोड़ा यू नो बॉलीवुड मूवी बहुत सारे मूवीज देखना शुरू किया फाइनली अभी थोड़ा आ रहा है इतना फ्लुएंट भी नहीं है यू नो नेगेटिव कमेंट्स तो मत डाल uh, मैं कोशिश कर रहा है कुछ करने के लिए लेकिन आज वीडियो में यू नो वी हैव बहुत सारे लोग सक्सेस स्टोरीज करते हैं लेकिन ये वीडियो में फेल यूर स्टोरी एक यू you नो know, मेरे खास दोस्त उसका बिजनेस फेल हो गया एंड फिर भी अभी बहुत अच्छा कर रहा है रियल स्टेट में लेकिन वो बिज़नेस बहुत इम्पैक्ट किया उसको स्पेशली रेस्टोरेंट बिज़नेस एंड एक करोड़ रुपया बोले तो इतना आसान नहीं है लाइक यू नो टू लैक टू लैख डॉलर्स बहुत बड़ी बात है क्योंकि इस्पेशली यहाँ पर इमिग्रेंट जैसे आके यू नो सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं टाइम पे इतना बड़ा नुकसान

वो स्टोरी के पास जाने पहले हु आर यू कितना साल से कनाडा में है? क्या कर रहे हैं कैसा वो बिजनेस में गया है सो कैन यू गिव अस अ मोर डिटेल्स ऑफ योर स्टोरी नमस्ते मेरा नाम तरुण रावत है मैं कनाडा 2014 में आया था इंटरनेशनल स्टूडेंट कॉलेज में मैंने अपनी पढ़ाई करी और वहीं पे मैं अपनी वाइफ को मिला जो कि यूक्रेन से है वो भी मेरे तरह इंटरनेशनल स्टूडेंट थी <laughs> गोरे लड़की मिला गोरी लड़की मिल गई बहुत सारे दोस्तों ने नेगेटिव कमेंट डे वन से देने शुरू कर दिए कि ये तो अभी, अभी अभी आया उसको लड़की मिल गई हम इतने साल से इसको हमें तो कुछ भी नहीं मिला लेकिन बंदे में बहुत टैलेंट है बट इट्स ओके इट्स गॉड्स ग्रेस सो आप मैरिड है अब मैं मैरिड हूं हम सेम गोरे लड़की हां सेम गोरी लड़की <laughs> से यूलिया so, नाम है उसका यू हैव यू हैव अ किड्स एक बच्चा है हमारा 8 साल का अब पढ़ाई करने टाइम पे आपने क्या करना था हाउ डिड यू गेट इनटू द रेस्टोरेंट बिजनेस तो मैं शुरू से ही मैंने इंडिया में होटल मैनेजमेंट का कोर्स okay. करा फिर कनाडा में भी आके अब जैसे कि शादी हो गई घर hmm. चलाना है पैसे नहीं है तो सबसे ईजीएस्ट जॉब इज टू गेट इनटू द रेस्टोरेंट पिज्जा मेकिंग इटालियन फूड मेकिंग hmm. वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई सो so पहले आप वो रेस्टोरेंट में काम करता था डिफरेंट डिफरेंट रेस्टोरेंट टोरटो में ओके सो आप

Uh, कैसा right. कैनडाफी ढूंढना है तो कैन ऑलवेज वर्किंग टू गुड रेस्टोरेंट और पहले आपकी स्पेशलिटी क्या है उसके हिसाब से आप अपना नीच मार्केट ढूंढ सकते हैं बट इट्स नॉट टू डो गिव सो आपको पाँच साल लगा एक तो कौन सा जॉब था मतलब पहले रेस्टोरेंट्स का जॉब था उसके बाद मैं किसी एक केटरिंग कंपनी में एज अ मैनेजर कुक शेफ मैनेजर का मेरा टाइटल था ओके तो आई वाज शेफ इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग में सारा पेपर वर्क करना यूनिट को रन करना लगातार काम करता था टेन टेन आवर्स तो रहता था मिनिमम या पे कैसा है वो टाइम पे 40 38 36000 से स्टार्ट करा 44000 सो ये 2019 2020 यस yes. एंड कौन सा रेस्टोरेंट आपने शुरू किया कैसा मिला वो रेस्टोरेंट एंड वॉट गेव यू कॉन्फिडेंस टू गेट इन टू दैट रेस्टोरेंट तो मैं इटालियन रेस्टोरेंट में काम करता था एज अ पिज्ज़ा मेकर तो मैंने पिज्जा बनाने की टेक्निक आपके पास सीखी ओके रेस्टोरेंट्स में काम करके करके इंडियन स्टाइल और नहीं तो खाली इटालियन प्रॉपर इटालियन स्टाइल गुर में सिसियन स्टाइल ओके और फिर uh, मेरे को मन करा कि मैं भी अपना बिजनेस खोलूं तो इसलिए मैंने सोचा लेट्स गो एंड ओपन पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट लाइक लाइक यू वर्किंग फॉर ऑलमोस्ट लेकिन मैक्सिमम नहीं। नहीं। like, लोन, लोन लिया डिफरेंट डिफरेंट लेंडर्स है कनाडा में जो विदाउटल के लोन भी देते हैं गवर्नमेंट mm -hmm. के देख विदाउट एनी कोलेटल कितना था वो बिजनेस आपका uh, आप नहीं तो काल ही शुरुआत scratch, से, scratch से बनाया so आपने एक जगह लेके रेस्टोरेंट बनाया एक, बना एक जगह रियल स्टेट राइट okay. right? फिर उसमें सारा अंदर फ्लोरिंग सीलिंग लाइटिंग ये सब कुछ करा तो so, सारे आपने इन्वेस्ट किया ब्रांड बनाया okay. फिर सर्विस okay. कनाडा से मास्टर बिजनेस लाइसेंस लिया पोर्टल लोगो रजिस्टर करा गोDaddy पे जाके वेबसाइट बनाई uh -huh. तो टोटल जो मेरा कॉस्ट था खुलने का वो 150 के आसपास लगा था ओके okay, 150 uh, 1 लाख $50000 हां 150000 ऑलमोस्ट क्लोज टू 1 करोड़ 1 करोड़ हाउ डिड यू एंड अप क्लोजिंग इट एंड कितना टाइम लगा तो मैंने हर एक की तरह सोचा वो मेरा रेस्टोरेंट भी बेहतरीन चलेगा मस्त चलेगा यू you नो know, मुझे कौन रोक सकता है ओवर हाँ, कॉन्फिडेंस था पहला मेरे को पिज्जा बनाना बनाना आता है तो मैं बना सकता हूँ ठीक है मेरे रेस्टोरेंट में लोग आए खाए बोला बहुत अच्छा है no नो प्रॉब्लम लेकिन वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग मिस्टेक था कि थोड़ा मेरे को अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस हो गया ओके ठीक है आई एम ट्राइंग टू चीव मोर देन आई कैन बाइट ओके राइट और अगला था कि मैंने सबसे बड़ी चीज सेल्स एंड मार्केटिंग जो सोशल मीडिया जो बहुत ही जरूरी होता है किसी भी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए उसमें बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करा आई एम ए गुड कुक बट नॉट अ गुड बिजनेस मैन उस, उस फील्ड में उस समय तो कितना साल चला रेस्टोरेंट तो रेस्टोरेंट वही अबाउट हाफ मंथ वन एंड हाफ ईयर चला ओके तो पेंडेमिक के टाइम में खुला और पेंडेमिक uh, so, का पहले और नहीं तो का का जो था वो oh, so, 20, शुरुआत में, शुरुआत में. Okay. तो फिर धीरे धीरे कंपटीशन भी बढ़ता गया एक टाइम में उसी स्ट्रीट पे पांच से पिज्जा मैंने बहुत सारा एफर्ट भी डाला उस रेस्टोरेंट में हम लोग फूड एक्सपोर्ट कर रहे थे इटली से जो अभी वॉच कर रहे उसको ऐसे ही रेस्टोरेंट बिजनेस में जाना है एंड वॉट आर सम्सूड आप जो

देन जम्प इन टू दैट इंडस्ट्री कि मैं इस फील्ड से हूं मेरे को रेस्टोरेंट फिर भी चलाना है सो दैट कैन बी लिटल विथ चैलेंजिंग यू नीड टू नो इन्स एंड आउट राइट जब तक आप डिश वॉशर में हाथ से बर्तन नहीं धोगे हाउ विल यू नो कि डिश वॉशर आपको बेकूफ बना सकता है और hmm. एक्स्ट्रा घंटे खींच सकता है हाउ विल यू कंट्रोल लेबर देयर राइट यू नीड टू नो ऑल दस थिंग्स So, आप तरो रिसर्च करना पड़ेगा बिजनेस like, में सारे जो भी चीज़ें इन्वॉल्व होता है लाइक यू नो फ्रॉम ऑपरेशंस टू मार्केटिंग सो किसका एरिया में आपने टेरेबल हुआ तो आई थिंक फाइनेंसेस था जो मैंने ढंग से प्लान आउट नहीं करा मैंने सोचा कि पहले दिन से ही सेल्स इतनी ज्यादा आने लग जाएगी कि hmm. पैसा आता रहेगा लेकिन वो गलत है आपके पास सिक्स मंथ्स का फंड्स होना चाहिए

Hmm. तो रश नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज़ को यू हैव टू डू थरो रिसर्च और जरूरी है कि यू शुड हायर कंसल्टेंट्स कंसल्टेंसीज जो आपको बताएगी कि उस एरिया में कौन सा फूड ज़्यादा पॉपुलर है तो यू कैन डू अ बिजनेस इन दैट लोकेशन सो जो कंसल्टेंट्स रहते हैं लाइक यू नो इफ़ यू आर लुकिंग टू ओपन अप पिज्जा स्टोर ए एरिया में दे कैन गिव यू अ थरो मार्केट एनालिसिस फॉर दैट एरिया हां कि उसमें कितनी डिमांड है ओके फ्राइड चिकन की मोमोज की पिज्जा की या किस चीज़ की तो देन यू चूज द मार्केट और मैंने वो चीज़ नहीं करी मेरे को लगा यहाँ पे पिज्जा खोलते हैं यहाँ पे अच्छी कम्युनिटी लोग पे करेंगे ठीक है डन एंड आपने मार्केटिंग के बारे में भी थोड़ा बहुत टच किया पहले यस सो वॉट कैंड ऑफ मार्केटिंग आपने कर रहा था वो टाइम पे तो मेरे को लगा कि मेरा फूड जादू है hmm. और लोग आएंगे खाएंगे और बहुत बिकेगा क्योंकि और में मार्केटिंग दे... में कुछ डालने की जरूरत ही नहीं है पैसा लेकिन यहाँ का खाना कोई आ गया खाने के लिए लोग आए आए वीकेंड पे आते वीकडेज पे डेड वीक डे नहीं सिर्फ वीकेंड पे सेल हो रही है तो उससे जो पैसा बन रहा है इट कवरिंग क्या वीक डे का लेबर कैसे कवर होगा वीक डे के जो लेबर के टैक्सेस जो हमें गवर्नमेंट को देने थे वो कैसे कवर होंगे तो मार्केटिंग बहुत ही बहुत ज्यादा बिल्कुल मार्केटिंग नहीं किया बहुत वन पॉइंट फाइव परसेंट ओके okay. सो so, अभी आपको ये सारे चीजें पता है yes. so, अभी आप वही रेस्टोरेंट खोल दिए तो क्या चीजें अपने करेगा अभी फर्स्ट आई विल हायर दिस कंसल्टेंसी ओके जो कि मेरे को मार्केट एनालिसिस बताएगा किस एरिया में कौन सा फूड पॉपुलर है क्या वहाँ पे डेमोग्राफिक्स है कितना वहाँ पे इनकम है डिस्पोजेबल इनकम कितना है लोगों के पास दैट दे अफोर्ड हाउ मच ऑन डेली बेसिस

देर ए फ्रेड ऑफ पार्टनरशिप यस क्योंकि देखो पा, मैंने पार्टनरशिप किया पहली बार बिफोर mm, लेकिन पार्टनरशिप पर क्लैश हो जाते हो सकते हैं बट वाई वु यू रिकमेंड है पार्टनर सो इसका आई विल गो बैक वट यू थोड़ी लॉन्ग टाइम होगा एक की पार्टनरशिप इज़ लाइक अ मैरिज सो राइट पार्टनर डेफिनेटली आपके पास होना चाहिए और पार्टनरशिप के दो बड़े बेनिफिट हैं फर्स्ट बेनिफिट ये है कि रिस्क कम हो जाता है पैसों का Hmm. और दूसरा सबसे बड़ा कि आप काम कर करके थक जाओगे hmm. किसी ने कॉल इन सिक कर दिया कोई सुबह नहीं खोल सकता रेस्टोरेंट तो कौन आएगा आप ही तो आओगे खोलने के लिए क्योंकि दिस इज योर रेस्टोरेंट या लेकिन कभी कभी आप अवेलेबल नहीं हो तो आपका पार्टनर आके कर सकता है तो hmm. थोड़ा आपको मेंटल स्ट्रेस भी कम होता है तो hmm. दो दो बेनिफिट है लॉस्ट हाउ मच विध यू इंटरेस्ट एप्रोक्सीमेटली सो विद एवरीथिंग इंटरेस्ट एंड एवरीथिंग 200000 200000 सो अभी आप 2 लाख डॉलर वो जो आप अभी पे कर रहे हैं आर ऑन द प्रोसेस सो द ओनली वे आई कुड पे मोस्ट ऑफ इट सो फार बिकॉज आई ओन सम इन्वेस्टमेंट्स रियल स्टेट रियल स्टेट इज द टूर ओके सो यू हैड इन्वेस्टमेंट्स ड्यूरिंग दिस टाइम यस और अगर यस कब कबली व्हाट डिड यू गेट इनटू रियल व्हेन डिड यू गेट इनटू रियल सिंगल फैमिलीस कुछ मल्टी एक डुप्लेक्सस ऐसे धीरे-धीरे करके लेना शुरू करा 2020 से ओके और उसके बाद जाके फिर जब मेरे पास वो था तभी मैं थोड़ा लॉस अब्सॉर्ब कर पाया तो रियल स्टेट इज द मेन की हियर यू हैव टू हैव रियल स्टेट इफ यू गो इन टू दिस काइंड्स ऑफ बिजनेस सो जो भी बिजनेस आप रन कर रहे बिकॉज़ यू हैड साइमल्टेनियसली यस

Uh, आपने यू नो लॉस ले लिया एंड व्हेन व्हेन डिड यू शट ऑफ द बिजनेस सो ये टाइम था वन का, 2021 2021 का का यस एंड उसका वो आप काम कर रहा था लाइक like, नहीं ये तो फुल टाइम जॉब है है yes. ये फुल टाइम बिजनेस जॉब मैंने नहीं छोड़ी कभी हमेशा जॉब रही साइड में so, yes. so, सो और फिर घर के लिए कुछ फैमिली के लिए टाइम ही नहीं hmm

Uh, वो बिज़नेस शट डाउन होने के बाद आपने बैक टू लाइक यू कंटिन्यू टू वर्क कंटिन्यू टू वर्क यस पैसे हुँ. तो कमाने थे बिल्स तो पे करना ही है ओके okay, so फिर भी एक बिज़नेस लॉस uh, हो गया एंड उसका बाद नाउ यू इवन क्विट दैट जॉब नाउ गॉट इन टू सेल्स तो जब फाइनेंशियल थोड़ा फाइनेशियल uh, फेयर चले गया लॉस के बाद बहुत सारा कलेक्शन एजेंसीज ने भी मेरे को कॉल करा पैसा देना था क्योंकि बिजनेस बंद सिर्फ एक जॉब चल रही जिससे रेगुलर बिल्स पे हो रहे अब कुछ करना है तो आई मीन इट टाइम फॉर मी टू पे कलेक्शन लॉयर्स बहुत सारे स्ट्रेस. Oh, so, मेरे को उस दिन ऐसा लगा कि दिस इज द अदर पार्ट ऑफ इमिग्रेंट इन कनाडा सब तो अच्छा अच्छा स्टोरी बोलते ये चीज कोई नहीं बोलता कि इमिग्रेंट वेंट थ्रू लॉयर ऑफिस टू पे ऑल देखो

Uh, आपसे बाकी टीम मेंबर से सबसे इंस्पायर होके mm -hmm. और या लास्ट मंथ मैंने चार सेल्स करी mm -hmm. तो समथिंग टर्न्ड लाइक टच ऑन दैट सो सो अभी तक uh, दो महीने हो गया अभी सेल्स कर दो तो महीने हो चुके हैं कितना सेल्स सारे? अभी तक फिलहाल सिक्स हो चुकी हैं फॉर्म ओके सो सिक्स ऑलरेडी दैट मीन्स इट्स डिसेंट इनकम यस एंड दैट्स नॉट इजी वेरी हैप्पी विद इनकम सो बट पहले फर्स्ट मंथ And शुरू भी की ना? एक दिन गया भी काम करने। <laughs> फायर भी हो sure. गया वहा <laughs> so, क्यू क्यू अपने रियल स्टेट भी छोड़ने के लिए तैयार था क्यूँ क्या हुआ क्यूँकी अब तब तक आपने एक सेल भी नहीं किया कुछ भी नहीं सो वाई डिड यू डिसाइड टू क्विट एंड गो बैक टू जॉब अगेन बिकॉज अगेन मैं लाइफ में फिर थोड़ा डिप्रेशन में आ गया कि यू you नो know, एक इतना बड़ा लॉस हुआ मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ यू नो सो मेनी क्वेश्चन बट कहते हैं जब चीज़ होती वो अच्छे के लिए होती है hmm. और फिर मैं अगर वो सब नहीं होता तो मैं यहाँ कभी नहीं आता आपसे कभी नहीं hmm. मिलता हम कभी बात नहीं करते आज का ये डे नहीं होता hmm. तो फिर मैं यहाँ पे आया लेकिन फिर मेरे को ऐसे लगा कि लाइफ अगेन प्लेइंग गेम्स विद मी बट देन एक, एक महीने में आपने डिसाइड हो गया ये रिलेटेड मेरे को काम नहीं कर रहा है कुछ नहीं आ रहा है बिल्स बढ़ रहे हैं डेट्स बढ़ रहे हैं कैसे होगा क्या होगा यू नो माय वाइफ वाज वर्किंग बट एक इंसान के लिए फैमिली चलाना इट्स चैलेंज नहीं है हाँ, क्योंकि स्पेशली आपको भी है ना डेट्स भी है तो, तो, तो स्विच आ, क्या था क्या हुआ आई थिंक जैसे मैंने पहली वीडियो में बोला था कि आपका अच्छा मेंटरशिप कोचिंग थी और एक यहाँ पे नया पाते स्पिरिचुअलिटी का जो मैं

वो आपने आपका फोकस शिफ्ट कर दिया चलो जो हो गया हो गया इट हो गया, हाँ, अभी क्या करना है आई टू सी ग्रोथ इन यू एंड आपका एनर्जीज भी कितना चेंज exactly, हो गया exactly. लास्ट में में अच्छा, uh, ah. yeah? पहले महीने में वो स्माइल नहीं था yeah. so, कैरिंग एनर्जी कुछ करना बोले तो इफ यू फेट एक फेल्यूर के बाद और एक फेल्यूर आएगा एंड exactly. और एक फेल्यूर के बाद और एक फेल्यूर आएगा लेकिन एनालाइज राइट आप जो never किया एग्जैक्टली नेवर गिव अप एंड एनालाइज पहले बिजनेस क्यों फेल हुआ यू नो इफ यू नॉट जस्ट ब्लेम द मार्केट और जो भी yes. pa, पहले यू you नो know, आपने बोला मार्केट सिचुएशन एंड देन उसका बाद you started to analyze yes ab jo bhi cheeze case study kara sara ha socha then abi now you are even ready to do consulting for anyone right like anybody <laughs> yeah i can teach in four steps how to get a liquor license from agc or very fast if you want to yeah, open a restaurant there you go so analyze the business and so, failures hue to तो, it's okay actually failures will make you stronger yeah. मैं भी ये business में आके अभी 5 6 साल हो गया i had multiple failures yes. and whenever a failure happened कभी गलत किया बिकॉजिबल yes. जब exactly. आपने रेस्पॉन्सिबल लेना शुरू कर दिया yes. आपका सेल्स तो बढ़ते जा रहा है राइट अनकाउंटेबल सो रियल एस्टेट अभी शुरू हो गया क्या है आपका नेक्स्ट ट्वेंटी ट्वेंटी का गोल्स क्या है 2024 का गोल तो है कि आप मैं अच्छा काम करूं, अच्छा लर्निंग करूं, अच्छा स्किल्स पे ब्रश करूं, लोगों से अच्छा कनेक्ट कर पाऊं, बी मोर आई एम जेन्यून लेकिन जेन्यूनिटी को और अच्छा ब्रश अप करूं ये सब चीज़ें गोल एंड क्रश द मार्केट कितना करने के प्लान है Well, uh, काफी बड़ा है 100, 100, 100 100, 100 but, uh, है का का सेंचुरी सेल्स करना चाहता बाय आई नथिंग नथिंग इज़ इज़ गोल गोल आपको मन लगे तो यू हैव कैपेसिटी एंड व्हाट्स योर हैल ग्रो

अभी तक और कोई टिप्स है हमारे इमिग्रेंट्स के लिए यू नो दोस हु आर गेटिंग इनटू रियल एस्टेट और रेस्टोरेंट बिजनेस एनी फाइनल वर्ड्स फाइनल वर्ड्स की बिलीव इन योरसेल्फ एंड यू कैन अचीव इट और रिस्क लो विद एनालाइज करके डायरेक्ट मत कूद जाओ एनालाइज करो चीजें लर्न करो देन कम इनटू द थिंग आई लव दैट बाय एंड देन यू नो यू कैन मेक चेंज इन लाइफ या एंड बाय थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच जैसे वाला चीज बहुत लोग बातें नहीं एंड यू यू नो इफ हैव एनी फ्रेंड्स हु आर ईगर टू गेट इन टू एनी बिजनेस ये वीडियो शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो यू नो जैसे वाला चीजें हम करते रहते हैं एंड बोलो कमेंट में मेरे हिंदी कैसे था <laughs> 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 बहुत बढ़िया था हाँ कितना इम्प्रूव हुआ हाउ डू यू फील मैं हिंदी में हर फ्यूचर uh, में वीडियो भी कर सकते नहीं दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ एंड फॉर मोर वीडियो ऑन इंस्टाग्राम सो यूल सी ऑन so much ऑन इंस्टाग्राम sure, you know, so well. We so wonderful day thank you